दोस्तों, आजकल की भागती दौड़ती मशीन जैसी जिंदगी को पूरी तरीके से जीने और कामयाब बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अपने लिए सुबह की ऐसी रूटीन या दिनचर्या बनाना जिसे कोई भी मात न दे सके। जीवन के किसी भी खेल में जीत की शुरुआत हमेशा एक स्टार्ट पॉइंट से होती है, और दिन का पहला घंटा तो ऐसा है जो आपको चैंपियन बना सकता है। आज तक आप जितने भी बजे उठते आए हैं उससे एक घंटा पहले उठकर अपने दिन की शुरुआत करें। एक महान और सफल जीवन जीने की राह में यह आपका पहला कदम होगा। आप अपनी सुबह का ख्याल रखिए और यह सुबह आपका पूरा दिन ख्याल रखेगी। जब आप सुबह का ख्याल रखेंगे, उसे अपना बनाएंगे, तो आप अपने जीवन को अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। ये दुनिया हर तरह के लालच देकर आपको अपने राह से डिगाने और भटकाने का प्रयास करती है। आपको इन सब विचलित करने और डिजिटल डायमेंशन उत्पन्न करने वाले विचारों को पूरी तरह त्याग देना होगा और अपना पूरा ध्यान और फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। हम सभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने और इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं, परंतु हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? अधिकांश लोग अपने दिन का सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी समय, सुबह का समय, सबसे फिजूल के कामों में खर्च कर देते हैं। आगे चलकर जीवन में कष्ट और परेशानी का सबसे बड़ा कारण यही साबित होता है कि हमने अपना कीमती समय बेकार बर्बाद कर दिया। अपने मॉर्निंग रूटीन को कुछ इस तरह व्यवस्थित करें, अपने सुबह की दिनचर्या को इस तरह से संवारें कि उससे आपके आगे का न सिर्फ दिन बल्कि पूरा जीवन संवर जाए। ये सच है कि सभी तरह के बदलाव शुरू में मुश्किल, बीच में तकलीफ दे और बाद में अति आनंददायक बन जाते हैं। हम में से हर किसी के अंदर एक जन्मजात जीनियस और एक कभी भी पराजित न होने वाला अजय नायक छुपा होता है, परंतु आजकल अधिकांश लोग अपने बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते। वे सिर्फ अपनी बाहरी स्वरूप से अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं, न कि अपने भीतरी रूप से। आपका मोल आपकी खरीदी हुई वस्तुओं से नहीं बल्कि आपके चरित्र और कर्मों से बनता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग निराशा, अनिश्चितता, बोरियत और व्याकुलता के दलदल में फंसते चले जाते हैं। ये बात याद रखें कि हर दिन आपके पास लीडर बनकर आगे आने के अनेकों अवसर व अपॉर्चुनिटी आते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हों या कुछ भी करते हों। हमारा जीवन एक ऐसा मंच है जहां सबको मौका मिलता है। हम में से कोई भी कभी भी एक नायक व विनर बन सकता है। समय सही हो तो अच्छा, और यदि समय खराब चल रहा हो तो और भी अच्छा। आज से ही शुरू करें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भविष्य में जीत आपकी होगी। आज की इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कोशिश करके अपनी सोच, समझ, समृद्धि और खुशियों को कई गुना बड़ा न कर सके। सिर्फ अपने रोज के कामों में थोड़ा फेर बदल करें, अपनी दिनचर्या बदलें, अपनी सुबह की सही शुरुआत करें। सुबह 5 बजे उठने से आपके व्यवहार में उत्थान आएगा। ये नियम आपको संभावना के अपराजय मॉडल में बदलने के लिए अत्यंत जरूरी है। आप जिस तरह अपने दिन का आरंभ हुआ स्टार्ट करते हैं, उससे आपके पूरे दिन के ध्यान, ऊर्जा, उत्साह और कौशल पर असर पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि दिन भर आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, एनर्जी, पैशन और मोटिवेशन का लेवल कैसा रहेगा, यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि अपने सुबह के पहले घंटे अर्थात अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। दोस्तों, हर दिन की सुबह आपके जीवन का एक ऐसा कोरा पन्ना है जिसे आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब आप अपनी पुरानी असफलताओं, पुरानी बातों को भुलाकर अपने आने वाले दिन को सफल बनाने में अपना सारा एनर्जी और फोकस लगा सकते हैं। आप इस अवसर व अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करें, जिससे आने वाले दिनों में आपके जीवन में अनेकों चमत्कार दिखाई देंगे और आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। साथ ही आप उन महान सफल विजेताओं की श्रेणी में आ जाएंगे जो पूरे विश्व को अपने प्रभाव से रोशन करते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सुबह के कुछ ऐसे अद्भुत व प्रभावी तरीके बताऊंगा जिसे रॉबिन शर्मा ने अपने वर्ल्ड फेमस बुक द 5 AM क्लब में बताया है, जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान अपने जीवन के स्तर व क्षमता में वृद्धि कर भरपूर जीवन जीता है और ऊंचे से ऊंचे मुकाम को हासिल करता है। यह एक ऐसा वर्ल्ड क्लास टेक्निक है जिसे अधिकांश सक्सेसफुल लोग अपने जीवन में फॉलो करते हैं, जिससे उन्हें बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है। और वह तरीका है सुबह 5 बजे उठने का। ऑथर कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी डबल हो जाती है और आपकी प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि हम सभी के दिमाग की एनर्जी और बैंडविड्थ लिमिटेड होती है, सीमित मात्रा में होती है। अधिकतर लोग सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर लग जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं, अपने कामों तथा लोगों के बारे में सोचते हैं, जिससे उनकी लिमिटेड एनर्जी कम होते जाती है और लंच टाइम तक उनकी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, जिसके बाद के कामों पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट और फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, किसी एक जरूरी चीज पर पूरी तरह फोकस करने के लिए बिना किसी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन के।
क्योंकि जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तब आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके लॉजिकल थॉट्स को कंट्रोल करता है, वह कुछ समय के लिए ऑफ रहता है, जिससे आप ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम, स्ट्रेस व किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने से बच जाते हैं। और इसका फायदा यह होता है कि आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं, जिससे आपका दिमाग पूरी एनर्जी और फोकस के साथ काम करता है। दोस्तों, कुकू FM एक ऐसा लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हिंदी एवं अन्य रीजनल भाषाओं में स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम जैसे अनेक महान लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हैं। द 5 AM क्लब, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, रिच डैड पुअर डैड जैसी हजारों ऑडियो बुक्स और यूजफुल नॉलेजेबल पॉडकास्ट सुन सकते हैं। जैसा कि नया साल आने वाला है तो कुकू FM पर एक कैंपेन चल रहा है, नया साल नया बदलाव, जिसके तहत ये वाला कूपन कोड इस्तेमाल करने से आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और केवल 199 रुपये में इसका एक साल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। एक किताब की कीमत पर आप हजारों ऑडियो बुक्स, बायोग्राफी तथा यूजफुल पॉडकास्ट सुन सकते हैं। कुकू FM का लिंक और कूपन कोड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस अवसर का लाभ उठाएं और आने वाला नया साल 2022 को अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाने के लिए अपनी लर्निंग पर फोकस करें, क्योंकि लर्निंग से ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपका ग्रोथ होगा। चलिए वीडियो के पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की सक्सेस और फेलियर, उसके उत्थान और पतन के पीछे जीवन के 4 पिलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें फर्स्ट पिलर है माइंडसेट। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। हमें अच्छे व पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, खुद पर भरोसा व सकारात्मक नजरिया के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सेकंड पिलर है हार्ट सेट। अगर आपके इमोशंस अच्छे नहीं हैं, आपके इमोशनल लाइफ में, आपके भीतर, आपके दिल में यदि उथल पुथल है, तो आपका माइंडसेट कितना भी तगड़ा हो, आप वो काम, वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। इसलिए अपने हार्ट सेट, अपने इमोशंस का भी पूरा पूरा ख्याल रखें, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते, उसे एक्सप्रेस नहीं करते, तो वह कभी मरता नहीं है, वह आपके भीतर ही जीवित रहता है और घुटन पैदा करने लगता है और बाद में किसी न किसी रूप में बुरी तरीके से बाहर निकल ही आता है। तीसरा पिलर है हेल्थ सेट। किसी भी इंसान का फिजिकल हेल्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। सोचिए, आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आपके पास ढेर सारा पैसा, धन दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन इन सब को एंजॉय करने के लिए आपका हेल्थ ही ठीक ना हो तो सब बेकार है। चौथा और लास्ट पिलर है आपका सोल सेट। अधिकतर लोग सोल सेट, अपनी आत्मा, अपनी स्पिरिचुअलिटी का ख्याल नहीं रखते। वो बैठकर 2 मिनट आराम से शांत नहीं रहते, वो ध्यान व मेडिटेशन नहीं करते, जिसके कारण वे सभी लोग दुनिया के इस भागदौड़ में ही फंसे रह जाते हैं और आगे के बारे में नहीं सोच पाते, कुछ बड़ा नहीं कर पाते। दोस्तों, जीवन के इन 4 स्तंभ, इन 4 पिलर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए ऑथर ने एक ऐसा सूत्र बताया है जिसे उन्होंने विक्ट्री आवर का नाम दिया है और वो फॉर्मूला है 20-20-20। बहुत सारे लोग सुबह उठ तो जाते हैं, लेकिन उठकर सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी में ही लग जाते हैं, जिससे उनका लाभ कम, नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इस किताब में सुबह के पहले घंटे को 20 मिनट के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है, सुबह उठने के बाद 5 बजे से 5:20 तक आपको मूव करना है। इसमें आपको ऐसा एक्सरसाइज व व्यायाम करना है जिससे कि आपके बॉडी से पसीना निकल आए। याद रखें, पसीना निकलना जरूरी है, तभी आपको असली फायदा होगा। एक्सरसाइज करने और पसीना निकलने से हमारे दिमाग में BDNF अर्थात ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर नाम का केमिकल रिलीज होता है और रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि BDNF हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है और हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। इसके साथ ही पसीना निकलने से हमारे शरीर में कोर्टिसोल की मात्रा कम हो जाती है, जो कि डर का हार्मोन है। और इस तरह सुबह 20 मिनट एक्सरसाइज करने से आपकी एनर्जी, थिंकिंग एबिलिटी, आपका फोकस और करेज कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा काम जो 5:20 से 5:40 तक आपको करना है, वो है रिफ्लेक्ट। आप अपने लाइफ की बिग पिक्चर को एनालाइज करें, अपने गोल, अपने एक्शंस के बारे में सोचें और देखें कि आप कहां तक पहुंचे हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या एक्शन लेने बाकी हैं। अपने दिन के प्लान को नोट कर लें या जो भी विचार आ रहे हों उसे लिख लें और इसी 20 मिनट में कुछ समय के लिए मेडिटेशन करें, जिससे आपको पीस महसूस होगा। इंटेंस एक्सरसाइज के बाद मेडिटेशन दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे बढ़िया और बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। इसके अद्भुत रिजल्ट आगे चलकर आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा काम जिसे 5:40 से 6 बजे तक करना है और वो है ग्रोथ। आप जिस भी फील्ड में हैं उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करें।
इससे रिलेटेड वीडियोस और डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, आप पॉडकास्ट और ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इसके लिए आप कुकू FM का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम कीमत पर लेकर हजारों ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इन सब से आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपका एक्चुअल ग्रोथ होगा। ऑथर रॉबिन शर्मा आगे कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठने के लिए रात 10 बजे तक सो जाना चाहिए, परंतु अगर आपका वर्किंग टाइम, आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आप रात के 11 बजे या 12 बजे सोते हैं, तो आप सुबह के 6 बजे या 7 बजे भी उठ सकते हैं। और उठने के पहले घंटे में इस विक्ट्री आवर को इस 20-20-20 फार्मूले के साथ शुरुआत करें। यह आपको लगातार 66 दिनों तक करना है। इससे क्या होगा कि यह आपका परमानेंट हैबिट बन जाएगा, आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, जिससे धीरे धीरे आपका फोकस, आपकी एनर्जी, एबिलिटी और प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज हो जाएगी जो आपको एक अजय योद्धा बना देगा, आपको अनस्टॉपेबल चैंपियन बना देगा जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, सुबह के इस पहले घंटे को, इस अद्भुत विक्ट्री आवर को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और आज से ही इस 20-20-20 फॉर्मूले के साथ अपने दिन की शानदार शुरुआत करें।